न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क सैमसन जगह की जानिब से तमाम अहले वतन को 75 साल डायमंड जुबली मुबारक हो। मशरिक के शायर का सपना काव्य दिखाए एहसान है। मशरिक के शायर का सपना काव्य दिखाए एहसान है। पचहत्तर साल किसी भी कौम और मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए एक तवील अरसा। मगर अफसोस के अगर आज हम मुल्क की सियासत मैशियत और पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ मजाहब के दरमियान तल्लुकात का जायजा लें तो बड़ी मायूसी होती है। जमहूरियत का मुस्तहकम ना होना इसके जुम्मेदार नाबालिग सियासतदान जिन्होंने मुल्क की मफादात को यकसर नजरअंदाज करके अपनी अना और लूट कसूर की खातर मुल्क की मफादात को यकसर नजरअंदाज करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सियासी कशीदगी की किस तरफ ले जाती है खुदा ही जाने। आज मजहबी अकलियतें सवाल करती हैं कि उन्होंने अनकंडीशनल कायदे आजम का साथ दिया और पाकिस्तान की आजादी में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और मुख्तलिफ शोबाजात में उनकी एक काबले कदर खिदमत है, लेकिन आज वो इम्तियाज और उनको राइट्स नहीं है, उनके पास वोट का हक नहीं है, तो वो किस तरह आज की आजादी शान शौकत से मनाए। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान के अकलियत पाकिस्तान की वफादार हैं, हम चाहते हैं, अकलियत चाहते हैं कि हमें बराबरी के हकूक दिए जाएं। 11 अगस्त योम अकलियत मनाया जाता है जिसमें खसूसी तौर पर कायदे आजम के फरमूदाद उनकी तकरीर को याद किया जाता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि ना कोई अब किसी मजहब का भी है वो आजाद है, उसका मुल्क के साथ मुल्क की अमूर के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन ये कहां से हुआ, कैसे हुआ कि आज वो मुख्तलिफ जुल्म का तासब का शिकार है।